हाई एवरी वन माई नेम इसता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल माई लाइफ माई होम माई स्टाइल तो कैसे हैं आप लोग तो आज मैं करने वाली हूँ गुड वाइव्स के एक बॉडी लोशन का रिव्यू आप टाइटल देखे पता ही लगा चुके होंगे मैं किस बॉडी लोशन की बात कर रही हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज माई लाइफ माई होम माई स्टाइल सो लेट्स गेट स्टार्ट इट ये है गुड वाइफ्स के टी ट्री इंटेंस हाइड्रेशन बॉडी लोशन की बॉटल इससे बड़ा पैक भी आता है और अगर आपको ट्राई करना है तो आप पहले छोटा पैक ही ट्राई कीजिए और अगर आपको सूट करता है तो उसके बाद आप बड़े पे स्विच कीजिए तो मैंने इसीलिए छोटा मंगवाया था क्योंकि मुझे इसे ट्राई करना था इसलिए तो ये वन ट्वेंटी uh, की बॉटल है और इसका जो प्राइस है वो वन फिफ्टी का है शेल्फ लाइफ इसकी टू ईर्यर्स की है और गुड वाइफ्स के प्रोडक्ट्स पर हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ चलता ही रहता है टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट चलता ही रहता है पर्पल पर सेल आती रहती है अब कुडवाइव के प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर भी ईजीली अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जस्ट मैंने इसे यूज़ किया है इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ तो ये इस तरह की बॉटल है जैसे गुड गुडवाइवस के सारे फ़ेस वॉशेस वगैरह की बॉटल आती है उसी तरह की ये बॉटल है और अच्छा है कि ये पंप वाला बॉटल है तो आप इजीली अपनी क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं जितना चाहे उतना प्रोडक्ट निकाल के उतना यूज़ कर सकते हैं तो ये मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह के पंप वाले बॉटल होती है मेनली बॉडी लोशंस के लिए तो ये मैंने विंटर्स में भी यूज़ किया था विंटर्स के एंड में यूज़ किया था मीन्स मैंने फैब और मार्च में यूज़ किया था और अभी भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मेनली मैं इसे यूज़ कर रही करी अपने फुट पे और अपनी एल्बोज पे तो जहाँ पे भी मुझे ड्राइनेस ज़्यादा लगती है मैं वहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ पूरी बॉडी पे मैं समर्स में बॉडी लोशन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि आ, स्वेटिंग होती है तो कहीं ना कहीं चिपचिपाहट होती है तो फुट मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं मेरी एल्बोज बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये बॉडी लोशन क्योंकि फुट मेरे जो एंकल है ना मेरी वो हमेशा ड्राई रहती है उसकी वजह से वो क्रैक्स वगैरह आने लगते हैं तो मैं इसे अगर लगाती हूँ ना तो पूरे दिन मेरी फुटप्ट अच्छे से लगते हैं ऐसा लगता है कि हाँ हाइड्रेटेड है मेरे फुट और एल्बोज देखिए मेरे मैं रोज़ इस पे लगाती हूँ तो देखो कितनी क्लीन हो गई है मेरी एल्बोज पहले थोड़ी सी ये ब्लैकिश थी ब्राउनिश थी अब ये बिल्कुल क्लीन हो गई है टू थ्री मंथ्स हो गए हैं है मुझे और ये ऑलमोस्ट फिनिश भी होने वाला है प्रोडक्ट तो आ, मैं आप बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है तो इसमें टी ट्री ऑयल है और इसमें कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है परफ्यूम भी दिया हुआ है बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट में परफ्यूम है कि है नहीं है तो टी ट्री क्या करता है आपकी बॉडी को इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है आपके स्किन में जो भी वाउंडस वगैरह हो जाते हैं स्क्रैचेस वगैरह हो जाते हैं उनको हील करता है और आपकी स्किन में कोई भी ड्राइनेस वगैरह आने लगती है आ, ड्राइनेस की वजह से इचीनेस होने लगती है या इचीनेस किसी और वजह से होने लगती है तो उस इचीनेस को भी ये रिमूव करता है तो टी ट्री का, का काम यही है और कॉफी का, का काम है कि कॉफी एक, एक एंटी है जो आपके सेल्स वगैरह डैमेज होने लगते हैं उनको रिपेयर करता है और नए सेल्स को जनरेट करता है तो ओवरऑल ये दोनों इंग्रीडियंट आपकी स्किन के लिए बॉडी की स्किन के लिए फेस की स्किन के लिए दोनों के लिए ही अच्छे हैं तो इसमें यही है और इसमें एक बहुत मतलब एक प्लांट जैसी फ्रेगरेंस है बहुत लाइट सी फ्रेगरेंस है लेकिन जो फ्रेगरेंस एलर्जिक है उनको शायद शायद ये पसंद नहीं आएगी क्योंकि थोड़ी हार्ड सी इसकी फ्रेगरेंस है तो मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ तो इसका टेक्स्चर है कुछ इस तरह का ग्रीन और वाइटिश कलर का टेक्स्चर है और बहुत ईजीली स्किन में एब्जॉर्व हो जाता है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और समर्स uh, में भी ये ग्रीसीनेस प्रोवाइड नहीं कर रहा समर में भी ये स्किन को ग्रीसीनेस नहीं दे रहा अगर आप सही क्वांटिटी में सही क्वांटिटी में अपना बॉडी बॉडी लोशन लगा रहे हैं अपनी स्किन पे तो समर्स में ये बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं होगा अगर आप एक्सेस अमाउंट पे लगा लेंगे तो हाँ ये ग्रीसीनेस प्रोवाइड कर देगा तो मैं आपको रिकमेंड uh, करूँगी कि आप जितनी क्वांटिटी चाहिए आपकी बॉडी को आपकी स्किन को उतनी ही क्वान्टिटी में कोई भी बॉडी लोशन लगाएं तो आपकी बॉडी को बिल्कुल भी चिपचिपाट नहीं करेगी तो ये पूरे दिन मेरे जो फुट वग़ैरह है एल्बो पूरे दिन हाइड्रेटेड रहते रहते हैं और मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये बॉडी लोशन तो मैं अपनी तरफ से हाईली रिकमेंड करती हूँ जिनकी स्किन ड्राई रहती है समर्स में मेनली जो जिनके एल्बोज़ वग़ैरह जिनके नीज़ वग़ैरह बहुत ड्राई रहते हैं समर्स में वो इसे ट्राई करके देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा है काफ़ी अफोर्डेबल है और कुछ ना कुछ इस पर ऑफर चलता ही रहता है तो ये था छोटा सा रिव्यू होप आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लव यू बाय टेक केयर